आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी से एक ऐसा नाश्ता जो हेल्दी तो है ही लेकिन बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आने वाला है। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। यहां पे लिए हमने 1.5 कप सोयाबीन के चंक्स। मार्केट में लूज भी मिलते हैं लेकिन लूज मत लीजिए, हमेशा किसी ब्रांड के लीजिए, ज़्यादा बेटर रहते हैं। सबसे पहले इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से इसके जो प्रोसेस की स्मेल होती है, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी बनाते टाइम एक प्रोसेस होता है दाल के साथ में, एक स्मेल डेवलप हो जाती है, तो उस स्मेल को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे, पानी भी ठंडा हो जाएगा और ये सोख भी हो जाएंगे और स्मेल भी निकाल लेंगे। अच्छी तरह से निचोड़ के निकालना है। निचोड़ने में चाहे ये टूट भी जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमने 2 प्याज लिए हैं, इन दोनों को हम चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप करने की कोशिश करें इसको। ये हो गया सिंगल साइड से कट। अब इसको घुमाना है इस तरह से और यहाँ पर कट लगाने हैं। जितने पास में कट लगेंगे उतना फाइन होता जाएगा। यहाँ पे लिए हमने 2 हरी मिर्च, इनको भी फाइन चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी करने के लिए नहीं, हरी मिर्च की खुशबू के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसी करने के लिए लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे लिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। 1 शिमला मिर्च है, इसको भी हम फाइन चॉप करेंगे। इसके सबसे पहले बीज निकाल लेते हैं, इस तरह से सेट कर लेंगे लाइन से। और इनको सबसे पहले जूलियन निकालेंगे, इस तरह से जूलियन का एक साथ बंडल बनाने के बाद में इस तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे लिए हमने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, इनको भी फाइन चॉप कर लेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक सभी चीज़ों को हम चॉप करके डाल रहे हैं, पेस्ट करके नहीं डाल रहे हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब हम इसको खाएँ तो हमारे मुँह में चंक्स लगने चाहिए इसके। यहाँ पे लिए हमने भुने हुए चने, ये भुने हुए चने जिनका छिलका उतरा हुआ है, इसका बनाएंगे हम पाउडर। ये 1/2 कप है, इसका एक फाइन पाउडर रेडी कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं रोस्टेड चना का एक फाइन पाउडर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आपके पास में रोस्टेड चना नहीं है तो आप बेसन को ड्राई भी भून सकते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट अच्छा आता है। जो सोया बड़ी हमने निचोड़ के रखी हुई थी, अब इनको ग्राइंडर में डाल देते हैं यहाँ पे। लेकिन इसको पाउडर या पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, इसको रखना है हमको दरदरा, इसलिए मैंने पूरा नहीं भरा है इसको। एक साथ भरते हैं ना तो पेस्ट जैसा बन जाता है, इसको इतना ही भरना है और पल्स मोड पे चलाएंगे जिसकी वजह से पेस्ट जैसा नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए सोया बड़ी को हमने पेस्ट नहीं बनाया, रेशेदार बनाया है, पेस्ट जैसा नहीं बनाना है इसको। यही गलती हम सबसे बड़ी करते हैं कि इसको पेस्ट जैसा बना देते हैं, आटा बना देते हैं। फिर सोया बड़ी खाने का मतलब ही क्या है? जब तक इसका टेक्सचर नहीं रहेगा तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आएगा, फिर तो ऐसा लगेगा जैसे हम आटा ही खा रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सोया बड़ी का चूरा इस तरह से मिलता है, देखिए चंकी में। पाउडर क्यों नहीं मिलता? पाउडर इसलिए नहीं मिलता, अगर पाउडर मिलेगा तो आटे की तरह बिहेव करेगा, तो जो सोया टेक्सचर होता है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो सोया टेक्सचर के लिए आपको इसी तरह से पीसना होगा इसको। सोयाबीन का जो मिक्सचर दिख रहा है बिखरा बिखरा सा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिलानी होगी जिससे ये बाइंड हो जाए। तो यहाँ पर मिलाते हैं आलू, 3 से 4 आलू आप मिला सकते हैं इसके अंदर उबले हुए। आलू डालने से एक बाइंडिंग आ जाएगी और एक सेटिंग से पकड़ बन जाएगी इसकी। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप आलू की जगह पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर से भी इसमें बाइंडिंग आ जाती है। सोयाबीन का खुद का कोई फ्लेवर तो होता नहीं है, तो फ्लेवर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, आप इसकी जगह भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर और जीरा पाउडर इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। ये रहा नमक, 2 छोटे चम्मच चाट मसाला मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये घर का बना हुआ चाट मसाला है जो मैंने अपनी पीनट मसाला वाली रेसिपी में बताया था, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो रेगुलर चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और काली मिर्च हमेशा फ्रेश कूट के डालनी चाहिए, अच्छी खुशबू आती है। 1 छोटा चम्मच काला नमक फ्लेवर के लिए, 2 हरी मिर्च मैंने काटी हुई है फाइनली चॉप करके डाल देते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे लहसुन कच्चा डाल रहा हूँ, अगर आप सौते करके डालना चाहते हैं सौते करके भी डाल सकते हैं। जो प्याज और शिमला मिर्च हम यहाँ पे डाल रहे हैं इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो पानी छोड़ देगी, इसलिए मैंने 2 ही प्याज डाले थे और 1 शिमला मिर्च डाली थी। लेकिन धनिया तो ढेर सारा जाएगा, मतलब श्रद्धा अनुसार जाएगा। एक बार सभी चीज़ों को बाइंड कर लेते हैं। आलू का सोयाबीन के साथ में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। गर्म मसाला लास्ट में थोड़ा सा, 1/2 छोटा चम्मच, और इसको बाइंड करने के लिए, मतलब ये बिखरे नहीं, इसके लिए जो चना पाउडर हमने पीस के रखा था वो ऐड करेंगे इसमें। लेकिन कितना मिलाना है पहले 1/2 मिला के देखते हैं, फिर बाद में और मिलाएंगे अगर ज़रूरत हुई तो। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना होता है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलाएंगे फिर ठीक का टेस्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए। और चना पाउडर डालने की वजह से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है इसके अंदर वो इसको एब्जॉर्व कर लेता है।
तो यहाँ पे इसकी बाइंडिंग मुझे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ चने का पाउडर। होटल रेस्टोरेंट के अंदर डीप फ्राई भी करते हैं इसको, तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल करते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से ये बिल्कुल फटता नहीं है तेल के अंदर। मैं तेल में फ्राई नहीं कर रहा हूँ इसकी वजह से, कॉर्नफ्लावर नहीं डाल रहा हूँ इसमें। अब देख लेते हैं इसकी बाइंडिंग, साइडिंग से बाइंड हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है ये। अगर इसकी टिक्की बनाना चाहें तो इसकी टिक्की भी बन जाएगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर चने का पाउडर डालते हैं आप तो ये बिखरने भी लग जाएगा। इसकी टिक्की भी आराम से बन रही है। तो चलिए इसके बना लेते हैं कबाब। कबाब बनाए जाते हैं सीक्वर्स में, तो सीक्वर्स ना हो तो एक जुगाड़ मेरे पास में है, ये देखिए पतली पतली सी एक मथनी है लकड़ी वाला, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं स्पैचुला का। मेरे पास में यहाँ पे टोनिंग रोड है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास भी जो अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सीक्वर इस्तेमाल करना है। हल्का सा ऑयल लगा के इसमें ग्रीजिंग करनी होगी, जिसकी वजह से जब हम इसमें मिक्सचर लगाएंगे तो आराम से निकल जाए। तो हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया यहाँ पे। इसके बनाते रोल्स और यहाँ पे ले लें इस तरह से। तो ये देखिए कबाब यहाँ पे सेट हो गया इसके अंदर। और अब क्या करना है, इसको ईजिली निकालना है। तो ईजिली निकल जाए तो हल्का सा आगे से कट लगाइए इस तरह से गोलाई में, और इसी तरह से पीछे की तरफ से। अब पूरे हाथ को इस कबाब के ऊपर इस तरह से रखिए, इसे टूटेगा नहीं, और इसको हल्का सा आगे की तरफ पुश कीजिए। पूरे हाथ में इसलिए रखा है सपोर्ट के लिए, वरना टूट जाएगा। अब एक प्लेट में निकाल देते हैं इसको। ये देखिए हल्का सा ऑयल वापस से ग्रीस करेंगे, हल्का सा लगाना, ज़्यादा नहीं, और यही प्रोसेस दोबारा से करेंगे हम। मिक्सचर लिया और इस तरह से, शुरू शुरू में चिपकता नहीं है, धीरे धीरे करके चिपकाना होता है इसको। बहुत बड़े बड़े रोल मत बनाइए, मीडियम साइज के। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब बना लिए हैं, तो चलिए इनको अब शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रिलर पैन का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी में बनाना है, आपके पास में जो नॉर्मल तवा होता है उसमें भी बन जाता है ये, है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हल्का सा मैं घी लगा रहा हूँ, घी तेल बटर जो भी आपको पसंद है वो लगाइए, मीडियम हॉट होना चाहिए। और ये बड़े प्यार से रखिए इसको, बड़े नाजुक हैं स्टार्टिंग में, जैसे जैसे पकते जाएंगे उसके बाद में स्टेबल हो जाएंगे। हल्का सा जब कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर सकते हैं, ये लीजिए टर्न कर लिया इसको। हल्का सा घी ऊपर से और स्प्रेड कर देंगे यहाँ पे। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चारों तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है, और अब इनको निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपके रोल हल्के से पतले हो गए तो देखिए इस तरह से ये टूटने लग जाते हैं, ये जैसे ये भाई साहब टूट रहे हैं ना, इसलिए टूट रहा है क्योंकि हल्का सा पतला बन गया था। तो आपको हल्के से मोटे ही रखने हैं, जिससे आसानी से पक जाए और आसानी से इसको आप ग्रिल कर सको। तो यहाँ पे देखिए सारे सीख रोल रेडी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं, टाइम कम है, तो आप इस तरह से टिक्की भी बना सकते हैं, ये भी बहुत आसानी से बन जाती है। इनको भी इस तरह से हम ग्रिल कर लिया है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बाहर की तरफ से क्रिस्पी हो जाती हैं, अंदर से हल्की हल्की सॉफ्ट। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार हो गए हमारे सोयाबीन के सीख कबाब, कितने शानदार लग रहे हैं ना। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्रेड के साथ, कुलचे के साथ में, या फिर परांठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और फिनिशिंग कीजिए इसको, ऊपर से हल्का सा बटर या घी लगाइए, और थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा लेमन जूस, और अब खाइए। खाने वाले को मज़ा नहीं आया ना, तो गारंटी इस बात की।